कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिश्ते नाते को काट दिया, मुंह फुला लिया, बातचीत बंद है, सालों हो गए, या मरनी में मिलेंगे या मंगनी में मिलेंगे। अब तो मंगनी में भी कोई नहीं पूछता है, मंगनी मतलब शादी की मंगनी। पहले लोग बुलाते थे, हाथ पैर जोड़ लेते थे, माफी तलाफी हो जाती थी, अब तो माफी तलाफी नहीं। तो मंगनी में भी आप कोई नहीं पूछता, मरनी में हो सकता है लाजे शर्मे आ गए कि भाई है जरा जनाजे में शरीक हो जाए, वरना दूसरा का कहेगा, ये का कहेगा उसके डर से आया है, अल्लाह के डर से नहीं आया। बाबा के जनाजे में आ जाए, भैया के जनाजे में आ जाए, चाचा के जनाजे में आ जाए, लोग का कहेंगे, अरे जनाजे में तू मत आ भाई। मुर्दे के जनाजे में आना कमाल की बात नहीं है, मुर्दे के जनाजे में आना कमाल की बात नहीं है, जिंदे को जो मुर्दा बन चुका उसको सहारा देना यह कमाल की बात है। पैसे की वजह से, नोट की वजह से हमने रिश्ता नाते तोड़ रखे हैं। मेरे पास पैसा है, खाक पैसा है, और जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो कौन आएंगे मिलने? सेठ लोग नहीं आएंगे, आपका भाई आएगा, साला आएगा, साले को बोलते हैं ना साले, बताऊंगा साला पहले आएगा, ससुर जी आएंगे, अब्बू जी आएंगे, बहन आएगी, भाई आएंगे, चचा आएंगे, पड़ोसी आएंगे, और जब मरेंगे तो यही सब आएंगे, दोस्त नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा। सही है कि नहीं? बीमार होके देखिए, बीमार होके देखिए मेरे भाइयों, माफ करने का महीना है, माफ कर दीजिए। दिल में जो खुन्नस हम और आप रखे हुए उसको माफ कीजिए। आइए एक हदीस सुनाता हूं, सही मुस्लिम किताबुल बिर वसीला हदीस नंबर 2588। माना कसर सदकत मिन माल, सबका वो खैरात करने से माल कम नहीं होता। वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ्फिन इल्ला इज्जन, जो किसी को माफ कर देता है अल्लाह उसको इज्जत दे देता है। क्या भाई मैंने माफ किया। हमारी लाइफ में अगर सॉरी आ जाए, भैया गलती हो गई, बड़ा इंसान है वो, आज कोर्ट में केस है, कोर्ट में केस, का चीज का केस, क्या चीज का केस, जितना केस में पैसा लगा है अगर समझौता कर लिए होते तो फायदा हो जाता, जितने की जमीन नहीं उतने से ज्यादा पैसा कहां लगा हुआ है, केस में। क्यों? आना मैं हूं, माइन मेरे लिए, आना ने फना कर दिया, हम सब अना को फना कर दे वरना हम सब फना हो जाएंगे, वही हो ही रहा। हम और आप अपनी आसानी को क्या देखें, हम और आप अपनी परेशानी से परेशान नहीं है, दूसरों की आसानी से परेशान है कि वो आराम से काहे है, काहे भाई, अल्लाह ने रखा है, अल्लाह ने रखा है। माफ करना सीखिए, जो माफ कर देता है अल्लाह उसको इज्जत दे देता है। हदीस का तीसरा नंबर, वमा तवाज़ा अहदुल्लाह इल्ला रफ़ाहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसको उठा लेता है। अल्लाह के लिए झुकना सीखिए, झुकना, अकड़ना नहीं, जो अकड़ता है वो पकड़ में आ जाता है, जो झुकता है वो उड़ जाता है। आपके पास लोग आएंगे, घुस, ओहो समझौता कर लिए, मौज की लड़ाई है ये, मौज की लड़ाई नहीं दाढ़ी की लड़ाई लड़िए, मौज वाली लड़ाई लड़िएगा तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते मेरे भाई हो। इसलिए माफ करना सीखेंगे, माफी वाला महीना आ रहा है, जब हम और आप कहते हैं अल्लाह तू माफ करता है, माफी को पसंद करता है, मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह कहते हैं पहले अपने अपने लोगों को तो माफ करो। ये सीने में जो कीना रखे हुए हम और आप, कीना कपड़, तू 5 साल पहले क्या बोला था, अरे क्या बोला था उसको हटाइए ना भाई, ये पूरा सर में बोझ लेकर काहे घूम रहे हैं, हटा दीजिए, अरे कुछ डिलीट मारिए यहां से, शांति मिलेगी, जा भाई जा जा, मैंने माफ, जो माफ कर देता है अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। इसलिए मेरे भाइयों, जिनके भी ताल्लुकात खराब है, रमजान का महीना आ रहा है, उससे पहले पहले ताल्लुकात को सुधार लीजिए, एक हो जाइए, सब पैसे का खेल है, जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपया, सबसे बड़ा है पैसा पीर, ना बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया, अरे रुपया है तो धमाल है वरना सब कंगाल है। पैसा किसी का नहीं हुआ है, किसी का न हुआ है न होगा, सब धरा का धरा रह जाएगा।